नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गणेश एस्ट्रो हेल्प में। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर दिलीप और हाजिर हूं आपके सामने लेकर बहुत ही स्पेशल प्रोग्राम। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं शनि महाराज न्यायाधीश दंड नायक शनि वक्री हो रहे हैं, उन्होंने अपनी चाल बदली है 141 दिन के लिए। तो वो क्या रिजल्ट लेकर आएंगे कुंभ राशि कुंभ लग्न वालों के लिए, आपके लिए विशेष महत्वपूर्ण है। क्यों है? क्योंकि आपके जो लग्नेश हैं, आपके जो राशि के ईश हैं, वो खुद शनि महाराज हैं। वैसे तो सभी के लिए शनि का गोचर बहुत महत्वपूर्ण होता है, शनि का, गुरु का, राहु का, पर आपके लिए खासकर है। तो क्या लेकर आएंगे शनि का जो परिवर्तन है, देखिए वो कब तक हो रहे हैं, कब से हो रहे हैं, 23 मई से लेकर 11 अक्टूबर के आसपास तक, 141 दिन करीब। तो शनि वक्री हो रहे हैं, मतलब लग्नेश वक्री हो रहा है, राशि का ईश वक्री हो रहा है। अब इसको शुभ कहना पूर्णतः तो ठीक नहीं है, क्योंकि लग्नेश किसी का भी वक्री हो, एफर्ट चाहिए होता है, उतार चढ़ाव आते हैं, मेहनत ज्यादा लगती है, रिजल्ट थोड़ा बाद में आता है, टेढ़े से आता है। वक्री का मतलब ये जो सीधा ना हो, जो थोड़ा टेढ़ा हो। अष्टावक्र जी, महाज्ञानी श्री अष्टावक्र जी, ऋषि अष्टावक्र जी का नाम आपने जरूर सुना होगा, जिन्होंने अष्टावक्र गीता लिखी है। सनातन धर्म के जितने भी उपनिषद हैं, वेद हैं, पुराण हैं, उनमें से अष्टावक्र गीता बहुत महत्वपूर्ण है। थोड़ा कठिन है पर बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। तो वो 8 जगह से तिरछे थे अष्टावक्र जी। तो वक्र का मतलब है जो सीधा ना हो, वक्री रेखाएं। दूसरा वक्र का मतलब है जो पीछे जा रहा हो, जो वापस जा रहा हो, जो उल्टा जा रहा हो, जो पीछे देख रहा हो एक तरह से। तो वक्री ग्रह वास्तव में अगर किसी की जन्म कुंडली में है तो पिछले जन्म के कुछ कर्म जो शेष रह गए, या कोई यात्रा जो चली तो थी पर पूर्ण नहीं हो पाई, वो उस तरह से रह गई और उसको फिर से पूर्ण करना है। एक ऐसा एरिया जहां पर आप पहले बहुत कुछ लेन देन आपका चलता आ रहा है काफी मात्रा में, और वो अभी फिर आगे बढ़ाना है, उससे उसको दिखाते हैं। तो जिसका शनि वक्री होता है वो लोग, अगर जन्म का हो तो स्पिरिचुअलिटी, अकल्ट, एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष, इन सब में, और ईश्वर के विराट स्वरूप को जानना चाहते हैं, सत्य को समझना चाहते हैं, ये सब चीजें रहती हैं, और भी गुण रहते हैं, उसको हम लेते चलेंगे साथ में। पर आपके लिए क्या लेकर आ रहा है शनि का वक्री होना, देखिए सबसे पहली बात तो लग्नेश वक्री है तो कोई बड़ा रिस्क नहीं लेना है, कोई नए बहुत बड़े नए काम की शुरुआत नहीं करनी है। हाँ, पहली चीजों में सुधार लाइएगा, किसी काम को रीडू कीजिएगा, पुराना कोई प्रोजेक्ट है वो फिर से आपकी लाइफ में आएगा, पुराने दोस्त, पुराना प्रेमी प्रेमिका वो आपकी लाइफ में आ सकते हैं। ऐसा व्यक्ति जो, ऐसा दोस्त सहेली जिसको आप बहुत समय पहले जानते थे, वो अचानक से आपको फोन कर सकता है, या कोई काम जो आपने पहले किया छोड़ दिया आप उसको फिर से कर सकते हैं, वो सही भी होगा। पुरानी चीजों में कुछ अच्छा रिजल्ट निकल कर आएगा। इसको अगर एक एग्जाम्पल से समझें तो कुछ इस तरह का समय है जैसे कि आपको एक कुल्हाड़ी दी गई और एक पेड़ को काटने के लिए कहा, और आप काटे जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं, दिन रात काटे जा रहे हैं, और 2-3 दिन बाद वो जो पेड़, क्योंकि बहुत बड़ा है तना, आपकी जो कुल्हाड़ी है वो शार्प नहीं रही है। अब क्या हो रहा है, आप प्रयास तो कर रहे हैं, आप मेहनत तो उतनी ही कर रहे हैं, लगभग थक तो गए हल्के से, पर कुल्हाड़ी चूंकि अब शार्प नहीं है तो पेड़ कट नहीं रहा है। तो ऐसे में क्या सही है, करते रहो मेहनत, करते रहो तब, या थोड़ा रेस्ट किया जाए, फिर कुल्हाड़ी पर थोड़ी देखा जाए कहाँ से टेढ़ी कहाँ से मेढ़ी, उस पर उसके अकॉर्डिंग धार लगाई जाए और थोड़ा हाथ पैर धो के फिर से काम पर जुटा जाए। दूसरा वाला ऑप्शन अच्छा है ना। तो बकरी ग्रह यही दिखाता है कि आगे बढ़ते रहना है, पर कभी कभी रुक के देखना वही आगे बढ़ने होता है। कभी कभी आप कह सकते हैं कि कुछ ना करना ही कुछ करना होता है। मतलब ये नहीं कह रहा मैं कुछ ना करना, कहने का मतलब यह है कि हाँ वो होता है, कभी कभी आंसर ना देना ही सबसे अच्छा आंसर होता है। ठीक इसी तरह जब वक्री ग्रह होता है तो थोड़ा सा नई चीजें ना करें, और जो चीजें कर रहे हैं ना उसमें कहीं ना कहीं उसका पूर्णतः अवलोकन करें कि सब ठीक तो चल रहा है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो तैयारी को देखें, क्या इसी तरह से मैं तैयारी करता रहा तो क्या अपने लक्ष्य को पा पाऊंगा, या कुछ और करने की जरूरत है इसी तैयारी में, नए में नहीं, इसी तैयारी में कुछ बदलने की जरूरत है क्या? क्या मेरे रिश्तों में सब कुछ ठीक चल रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं जिस तरह से मैं कार्य और रिश्तों को हैंडल कर रहा हूं उसमें बैलेंस नहीं है, और इसी तरह से आगे तक चलता रहा तो मामला गड़बड़ हो सकता है। तो उस चीज को बढ़ाना है, उस चीज को, क्वालिटी को निखारना है, कुछ बना करना है, कुछ अच्छा करना है, उस तरह का समय। इसको बोलते हैं वक्री। वक्री का मतलब बुरा नहीं है, वक्री आपको
रोकना चाहता है, कहना चाहता है कि भाई डायरेक्शन तो देखो, भागे तो जा रहे हो, सही डायरेक्शन में तो भागो, थोड़ा सा पानी भी ले लो साथ में, क्योंकि आगे बारिश वाली जगह नहीं मिलेगी, सूखा है आगे, थोड़ा पानी ले लो साथ में। एग्जाम्पल, आगे के लिए सोचना अभी से, वो वक्री ग्रह सिखाता है उस चीज के लिए। अच्छा, इंश्योरेंस करा लो अपना, अगर गाड़ी ली है महंगी तो, क्योंकि चोरी हो सकती है, वो वक्री ग्रह है, बता रहा है आपको, सचेत हो जाइए। वक्री ग्रह बहुत पावरफुल होता है, पृथ्वी के सबसे निकट होता है जब कोई ग्रह वक्री होता है, इसलिए उसको अच्छे ग्रहों में गिना गया है। उसमें चेष्टा बल होता है, वक्री ग्रह जो है बहुत स्ट्रांग होता है। अगर वो आपका शुभ ग्रह है, सही, उस पर दृष्टि पड़ती है, तो ऐसा व्यक्ति बहुत ऊंचाइयां छू लेता है, पर थोड़ा मेहनत के साथ, सीधा नहीं, वक्री, टेढ़ा मेढ़ा, इधर उधर से जाके गोल पे पहुंच जाता है, पर दम बहुत होता है, कठिनाइयों में भी हार न मानने वाला व्यक्ति होता है। शनि अगर वक्री हो तो रेस्पॉन्सिबल होता है, हार्डवर्किंग होता है जन्म से, बुद्धिमान लोगों के साथ, स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट लेने वालों के साथ उसकी अच्छी बनती है। पर कुछ लोग जो जॉली होते हैं, जो चीज़ों की गहराई से नहीं समझते, वहाँ वो थोड़ा खोसा जाता है, वहाँ उनके साथ उसकी टैली नहीं होती है, और ऐसे लोग उसको कभी कभी एरोगेंट मान लेते हैं, प्राउडी मान लेते हैं। वास्तव में ऐसा होता नहीं है, बस वो थोड़ा सा घुलने मिलने में थोड़ा से कमज़ोर होते हैं सोशल में, और अपनी ही तरह के इंटेलेक्चुअल लोगों में ही ज़्यादा बैठना उठना पसंद करते हैं। तो सब लोग तो ऐसे होते नहीं है, तो ऐसे में उनके कुछ शत्रु बन जाया करते हैं, कुछ लोग उनसे चिढ़ते हैं इस वजह से। अगर वो इस चीज़ को समझ लें कि संसार में हर तरह के लोग हैं, रहीमन देख बड़े इनको, लघु न दीजिए डार, जहाँ काम आवे सुई, कहा करे तलवार, मतलब सभी तरह के व्यक्तियों को लाइफ में ज़रूरत है। जैसे एक बगीचे में हर फूल की ज़रूरत होती है, गुलाब की भी ज़रूरत है, कमल की भी ज़रूरत है, और कहीं ना कहीं तो आग का जो फूल होता है उसकी भी ज़रूरत होती है, जहरीले फूलों की भी कहीं बार ज़रूरत होती है। तो सबकी अपनी एक महत्ता है, जगह है, जो जानने वाला है वो जानता है उसको कैसे यूज करना है, किस तरह से यूज करना है। ताश के खेल में कोई भी पत्ता खराब नहीं होता, और अच्छा खिलाड़ी वही है जिसपे पत्ते सारे अच्छे आए, उसके पास भी लोग हार जाते हैं, और जिसके पत्ते खराब हों वो भी जीत जाता है जिसको खेलना आता है। और आप ये मान लीजिए जो ग्रह है ना, वो पत्तों की तरह हैं, किसी के शुभ हैं, किसी के थोड़े कम शुभ हैं, और व्यक्ति जो है वो खिलाड़ी है। अगर कोई जानता है कैसे लाइफ को जीना है तो फिर वो जीत ही जाता है, संघर्ष के बाद ही सही। अगर बुरे पत्ते हैं तो संघर्ष काफ़ी हो सकता है, और हार जीत मन की स्थिति है। अब इस नॉलेज तक पहुंचने के लिए आपको आपके वेद, पुराण, उपनिषद, गुरु की महत्ता इसीलिए ही है, क्योंकि वो आपको रास्ता दिखा सकते हैं, चलना तो आपको ही पड़ेगा। खैर, शनि यहाँ पर आकर एक अच्छी बात भी कर रहे हैं। जब कोई भी ग्रह वक्री होता है वो पिछले घर का फल देने लगता है, तो आपकी जो साढ़े साथी शुरू हुई थी वो हट रही है। 141 दिन के लिए साढ़े साथी फ्री, क्योंकि एक तरह से, एकदम नहीं पर थोड़ा सा है, कि वो थोड़ा सा एकादश भाव का भी लाभ देंगे, और एकादश में आएंगे तो आपके अवार्ड्स दिला सकते हैं, इच्छा पूर्ति करा सकते हैं, कोई पुरानी इच्छाएं आपकी पूरी हो सकती हैं, किसी पुराने दोस्त से आपकी मुलाकात हो सकती है जो आपके लिए बेनिफिशियल हो, जो आपके लिए लाभदायक हो, आपका कोई सपना पूरा हो सकता है, आपको नाम हो सकता है, आपके जो फ्रेंड्स वगैरह हैं उनके थ्रू आपको कुछ अच्छा हो सकता है। सावधानी क्या, खर्चे में सावधानी रखें, विदेश यात्रा करते वक्त ध्यान रखें, यात्रा करते वक्त चोरी चकारी हो सकती है, जैसे आप कहीं यात्रा पे जा रहे हैं तो गाड़ी खराब हो जाए, कुछ इस तरह की सिचुएशन आ सकती है, तो यात्रा के समय बहुत सावधान रहें। इसके साथ साथ शनि की जो दृष्टि है वो द्वितीय भाव पर है, आपके वाणी के भाव पर है, वाणी को मीठा रखने की कोशिश करें, डिप्लोमेसी का ध्यान रखें, किस बात को कब कहाँ कहना है, कितना कहना है, कहाँ कहना है, इसका ध्यान रखें। कई बार सही बातों के कारण भी लोग नाराज हो जाते हैं, गलत बात की तो बात ही अलग दौर है, कहाँ कितना किससे क्या कहना है। सलाह भी फ्री में नहीं देनी चाहिए, आप किसी को सही सलाह दे रहे हैं और उसका मूड ही नहीं है, वो आपसे नाराज ही हो जाएगा और आपकी सलाह वेस्ट हो जाएगी। तो ध्यान रखें कि आपको किसको कब कितना क्या कहना है, कड़वा तो कहना ही नहीं है, मीठे में भी ध्यान रखना होता है, वो सीखना पड़ेगा लाइफ में, क्योंकि ये सीखने वाली बातें हैं, रेमेडी तो हम बताएंगे। शनि की जो सीधी दृष्टि है वो छठे भाव पर है, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, परिश्रम करते रहें, मेहनत करते रहें, बिना करे किसी को कभी कुछ नहीं मिलता। स्वयं हमारे अगर ईश्वरों को देखें, भगवान श्री कृष्ण, पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, कितना महत्व
कितना मेहनत किया, कितना लाइफ में संघर्ष देखा। 14 साल का तो वनवास हो गया रामचंद्र जी को, और भगवान कृष्ण के जब छोटे से ही थे तो मथुरा में आ गए थे छोटे से समय में, और किस कितने कितने बड़े लोगों से सामना हुआ। और उन्होंने मानव अवतार लेकर यही हमें सिखाने की कोशिश की है कि उतार चढ़ाव लाइफ में संघर्ष ये लाइफ का हिस्सा है, इसके बावजूद बैलेंस में रहना है, खुश रहना है, जो है उसके प्रति कृतज्ञ रहना है। कई बार बहुत सारी चीज़ें हमारे पास होती हैं पर हमको परवाह सिर्फ उसी की होती है जो हमको मिला नहीं होता, तो ये बात ध्यान रखने वाली है। शनि की जो 11वीं जो 10वीं जो दृष्टि है ना, वो नवम भाव पर है, भाग्य के भाव पर है, तो भाग्य जो है थोड़ा सा मेहनत से साथ देगा। पिता के साथ, आपके जो सीनियर्स हैं उनके साथ, आपकी जो ऑथोरिटी है आपके उसमें, जैसे घर में ऑथोरिटी पेरेंट्स होते हैं, ऑफिस में ऑथोरिटी आपका बॉस होता है, और वैसे देश में गवर्नमेंट है, तो उनके साथ कुछ उतार चढ़ाव रह सकते हैं, वहां थोड़ा सा अकलमंदी से दिमाग से काम लेना है, तब बात बनेगी। रेमेडी की बात पर हम अगर आते हैं, अगर रेमेडी की हम बात करें, देखिए हाई एजुकेशन, हायर एजुकेशन के योग हैं, थोड़ा बहुत यात्राओं के योग हैं, और विदेश यात्रा का भी योग है अगर आपके देश में लॉकडाउन वगैरह नहीं है तो। अदरवाइज आपके लिए अच्छा ही परिवर्तन है धन के मामले में, क्योंकि शनि जो है एकादश का भाव का रिजल्ट देंगे, धन आएगा, पैसा आएगा, कुछ इच्छा पूर्ति हो सकती है। ओवरऑल साढ़े सात ही हट ही रही है, पर जो बातें हैं उनका ध्यान रखना है। किसी का अगर जन्म का शनि वक्री होता है तो उसको ज्यादा फर्क पड़ता है, उनको लीगल मैटर में थोड़ा सा ध्यान रखना है, अपने से बॉस वगैरह हैं उनके साथ ध्यान रखना है, लोगों से मिलना जुलना है और उनके साथ थोड़ा सा कह सकते हैं कि अपने व्यवहार को थोड़ा सा सोशल बनाना है एक को अपने आप को, क्योंकि उनमें कैपेसिटी बहुत है, क्वालिटी बहुत होती है शनि वक्री वाले जो जन्म के होते हैं, उनमें बस यही थोड़ी सी कमी रहती है। ये उनके भी काम आएगा, जो बच्चे अभी होंगे तो माता पिता समझ सकते हैं कि उनको किस तरह से पालना पोसना है ताकि वो अपना बेस्ट दे पाए। अब आ जाते हैं रेमेडी के ऊपर। देखिए रेमेडी में शनि की सबसे बड़ी रेमेडी माता काली की पूजा है, ओम क्रीम 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 काली के स्वाहा, इसका यज्ञ शनिवार को करते हैं माता काली के मंदिर में, तो बहुत बेस्ट है वो। आजकल शायद कोरोना की वजह से पॉसिबल ना हो तो घर पर ही माता काली की पूजा आप कर सकते हैं। बजरंग बली हनुमान की पूजा शनिवार को बहुत बेस्ट है, हनुमान चालीसा, आपका सुंदरकांड, हनुमान कवच आपका, और आपका बजरंग बाण, ये सब का पाठ, मीठे का दान, इसके साथ साथ शनि महाराज मृत्यु से जुड़े हुए हैं तो शमशान में सहायता, शनि महाराज बीमारियों से रोग से जुड़े हुए हैं तो अस्पताल में सहायता, शनि महाराज ओल्ड लोगों से वृद्धाश्रम में सहायता, अपने से जो सीनियर्स हैं वृद्ध हैं, दादा दादी नाना नानी परदादा परदादा परनानी परनाना, ये सब इनकी सेवा करना, माता की सेवा करना। अगर आप दूर हैं तो फ़ोन से उनसे बात कीजिए, और आजकल कुछ जो हो हेल्प हो सकती है, आजकल तो बहुत सारी चीज़ें हैं, आप दूर से भी चाहें तो जो अपने माता पिता हैं दादा दादी नाना नानी की अगर सहायता करते हैं तो शनि उससे बहुत खुश रहते हैं। आसपास जो वृद्ध पड़ोसी हैं जो भी है उनकी भी हेल्प करनी है, ये नहीं कि सिर्फ शनिवार वाले दिन किसी वृद्ध की करनी है और संडे वाली नहीं करनी है, संडे के दिन भी करनी है, वो शनि का दिन एक दिन जो बेस्ट माना गया उस तरह से है। जैसे कि 7 दिन एक्सरसाइज एकदम ना करने से अच्छा है कि दो बार तो कर ही लो हफ्ते में, इसी तरह से दान पुण्य हर दिन नहीं कर सकते तो एक दिन तो कर ही लो। और ये भी ध्यान रखना है, जैसे काला कुत्ता काली गाय इन सब की सेवा बताई जाती है, तो शनिवार वाले दिन जैसे आप काले कुत्ते को रोटी दे रहे हैं बिल्कुल दीजिए, पर अगर ऐसा है वो बहुत ज़्यादा पेट उसका भरा हुआ है तो आप भूरे को दे दीजिए, और शनि और फिर जो मंडे को आएगा तो काले कुत्ते को दे दीजिए, क्योंकि उस दिन उसको कोई देने वाला नहीं है, तो जिसको ज़रूरत है उसकी हेल्प कीजिए। शनि की दृष्टियों की हम बात कर रहे थे, धन भाव पे दृष्टि आ रही है तो धन के क्षेत्र में थोड़ा सा मेहनत होगी, हार्डवर्क होगा, हालांकि पहले से समय आपके लिए अच्छा है, आपकी साढ़े साथी बढ़ रही है, हट रही है, पैसा आएगा कहीं ना कहीं से और आपका नाम हो सकता है। शनि की जो छठे पर दृष्टि है उसकी बात की, नवम भाव पर भी दृष्टियों की हमने बात की, और वक्री शनि के बारे में भी बात की, तो एक तरह से सारे एस्पेक्ट हमने वक्री शनि के देखे हैं। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा, पसंद भी आया होगा, कुछ सीखने को भी इससे आपको मिलेगा,
और अगर आपको ये पसंद आया है वीडियो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, घंटी वाला जो बटन है उसको दबाना मत भूलिएगा। आपका जो सहयोग है वो बहुत महत्वपूर्ण है, अपने सहयोग को इसी तरह बना के रखिएगा। और मिलेंगे इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मैं आपसे विदा लूँगा। अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। नमस्कार।